बुलियन मार्केट में गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है और कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव $1,330 प्रति औंस के नीचे है, चांदी का भाव $18.60 प्रति औंस के नीचे है और फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है क्योंकि जैक्सन हॉल की मीटिंग से पहले बाज़ार में बड़ी बाइंग देखने को नहीं मिल रही है और बाज़ार को बड़ा इंतज़ार है जैक्सन हॉल की मीटिंग का, वहाँ से किस तरह का बयान सामने निकल कर आता है उसके बाद मार्केट की तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। लेकिन इस बीच एक डेटा ये है कि अगस्त में भारत में गोल्ड की डिमांड में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है और आगे भी डिमांड बढ़ने की संभावना है क्योंकि मानसून काफ़ी अच्छा है और आगे शादी के सीज़न में इससे डिमांड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बातचीत के लिए हमारे साथ विनीता आडवाणी हैं जियो फिनकॉम ट्रेड की और साथ ही हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एनालिस्ट मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अमित, पहला सवाल आपसे ये कि गोल्ड का मार्केट दबाव में है जैक्सन हॉल की मीटिंग से पहले, क्या आपको लगता है कि फिलहाल ये काउंटर दबाव में ही रहने वाला है? जी नमस्कार। देखिए, एक दो दिन से ही नहीं, अगर हम पिछले एक महीने का ट्रेंड देखें तो एक ट्रेंडलेस मार्केट है, साइडवेज मार्केट है और अपसाइड ट्रिगर्स नहीं मिल रहे मार्केट को और आगे बढ़त के लिए। तो मुझे लगता है कि जब बाइंग प्रेशर नहीं होता तो सेलिंग ऑब्वियसली आ जाती है, तो ये कंटिन्यू रहने वाला है और हो सकता है यहाँ से $10 से $12 और हमें गिरावट कल तक दिख जाए। रुपी टर्म्स में 30,900 तक के भाव दिख सकते हैं गोल्ड में। ठीक है, इस बीच मार्केट की ओपनिंग हुई है, क्रूड का मार्केट दबाव में है, ₹1 नीचे है, 3148 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और नेचुरल गैस में करीब 0.5% की गिरावट है, 187 के आसपास है भाव। गोल्ड का भाव ₹32 नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 31,000 के आसपास और चांदी में ₹42 की बढ़त है। अमित, चांदी के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका, चांदी में आज के लिए क्या करना बेहतर रहेगा? जी, इंटरडे स्पेसिफिक ट्रेड अगर देखें तो 44,200 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जो ब्रेक किया चांदी में, अगर शाम दोपहर तक रैली आती है 44,000 के करीब तो बेचा जा सकता है। डाउनसाइड में 43,400-450 तक भाव दिख सकता है। जी, क्रूड पर आपका कमेंट क्या होगा अमित आज के लिए? क्रूड का मार्केट भी लगातार दबाव में है क्योंकि अमेरिका में क्रूड का स्टॉक लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो भी बाउंस दिखे, जो भी रिकवरी आए, वहां पर बेच कर चलना चाहिए? जी डेफिनेटली, शॉर्ट टर्म बेसिस बेच के चला जा सकता है, हमें $45 तक के भाव दिख सकते हैं। कमेंट्स काफी आ रही है, ईरान से कमेंट आई थी जिससे हमें उछाल देखना मिला था, बट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म बेसिस अगर कोई रैली आती है तो भेजा जा सकता है। रुपी टर्म्स में 30,080 तक के भाव दिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात अब एग्री मार्केट की। एग्री में आज के लिए विनीता आडवाणी, जीरे के ऊपर आपका व्यू क्या होगा, क्या जीरे में आपको अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है? जैसे कि अगर जीरे को देखा जाए तो 18,000 का जो ये बेस बनाते हैं दिख रहा है जीरा, यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर दिखती है, पर आने वाले समय में 18,800 एक क्रूशियल लेवल होगा जिससे इसको क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज देना बहुत जरूरी है, तब जाके इसमें एक लंबी तेजी की बात बनेगी और 19,700 तक की सब पर एक ऊपर में अप मूव देख सकता है। कोरिएंडर पर आपका व्यू क्या होगा, ये काउंटर काफी चर्चा में है, गड़बड़ी की आशंका यहाँ पर जताई गई थी, हालांकि कल हमने एमसीडीएक्स के एमडी से साफ तौर पर ये पूछा था कि आप कारोबारियों को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे, क्या उनका ट्रेड सुरक्षित है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कारोबारी बेझिझक इसमें ट्रेड कर सकते हैं, काउंटर में कोई दिक्कत नहीं है, क्लीन चिट दी गई है, ऐसे में अब आपका कमेंट कोरिएंडर के ऊपर क्या होगा? डेफिनेटली, जिस हिसाब से इन्होंने एक क्लीन चिट दी है क्वालिटी को लेके, एक ज्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए ट्रेडर्स को ये काउंटर में, और बढ़िया जैसे क्वालिटी में रहता है उस हिसाब से इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ट्रेडर से। और अगर ट्रेडिंग के हिसाब से बात करूँ तो जिस हिसाब से 7,700 के ऊपर आज ट्रेड हुए दिख रहा है धनिया, क्योंकि उस दिन उसने लो मारा था 7,400 का और पॉजिटिव कमेंट आने के बाद ही हमने देखा इसे 7,700 ऊपर। हाँ। मुझे लगता है 7,900 टू 7,980 एक रेजिस्टेंस जोन है, मैक्सिमम अपमूव 7,900 तक का ही दिखता है। ठीक है, चीनी के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका, चीनी वायदा लगातार चर्चा में है, लगातार बैठक हो रही है और वायदा पर रोक लगने की आशंका बनी हुई है, इस मुद्दे को लेकर वित्त मंत्रालय ने भी बैठक की थी, आज भी ये काउंटर थोड़ा सा डाउन है, ₹15 नीचे है, क्या करना चाहिए इसमें? अगर चीनी जिस हिसाब से लग रहा था कि 3,500 बढ़िया है और लेवल है होल्ड करने के लिए, इसके बाद बहुत सारे कंसर्न आ गए और जिस हिसाब से ये ऑन द काउंटर रहा है गवर्नमेंट के, तो उस वजह से 3,500 तोड़ता हुआ दिखा है। फिलहाल मुझे लगता है अभी तक दबाव में ही रहेगा काउंटर, क्योंकि फिर भी इस्मा ने आज बोला है कि बैलेंस शीट चीनी की काफी सफिशियंटली ओके है,
पर अभी भी किसी को कंसर्न है कि शायद बैलेंस शीट टाइट रहेगी और गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से मुझे लगता है इसमें अभी भी थोड़ा बहुत दबाव बनता हुआ दिखता है। 3410 या 3200 ओवरऑल एक सस्टेनेबल लेवल होना चाहिए, पर आने वाले समय में थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बात दिखे तो 3400 अगर टूटता है तो ये 3300 तक भी जाने की जगह बन सकती है।